This is how I received this box. I hope the stuff is okay in this. I don't want anything broken. Welcome to my channel Life is Precious. Today I am standing outside the house. पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा था बाहर खड़े होने का, तो मैंने सोचा आज चलो मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, रिव्यू करना है, तो बाहर ही कर लेती हूँ. सो टुडे आई हैव रिसीव्ड अ पैकेज फ्रॉम firstcry. आई नो इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, बट स्टिल ओके, लेट्स ओपन इट फर्स्ट एंड सी. मैंने कुछ सामान मंगाया था अगेन. So the first thing ये कप कितना बड़ा है. सॉरी मैं बाहर खड़ी हूँ इसलिए मैं यार गाय दिस थिंग इज लाइक ह्यूज. जो मैंने मंगवाया था मैंने मंगवाया जो भी था, बट देन इन द पिक्चर दैट दे हैड शोन दिस थिंग वॉज लाइक दिस मच. ओके आई पुट इन द पिक्चर ऑफ दिस मग जस्ट आफ्टर दिस. सो बेसिकली ये जो मग है ये कितना ह्यूज आया है, ये देखो आप, दिस इज लाइक इतना बड़ा. एंड अभी आपने पिक्चर में देखा था द मग वॉज लाइक सो स्मॉल. उसके अंदर मैं मेरे बेबी के पास एक छोटा सा ग्लास है, मैं उसकी भी फोटो डालूंगी आफ्टर दिस. आप देखना मैंने सोचा था वो उतना छोटा होगा. एंड वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, मेरे बेबी का बर्थडे आ रहा है फॉर दैट. सो मैंने सोचा था कि वो उतना छोटा सा मग होगा, ये आया है इतना बड़ा. एंड देखो कितनी क्यूट पैकेजिंग है, रिबन लग के आया है. ओके इसमें 145 MRP लिखी है, बट आई डोंट नो मुझे ये 89 का या 99 का ऐसे कुछ पड़ा था. सो आई गॉट अ डिस्काउंट फॉर मी. Let's see how it looks. I'm excited for it. अच्छा guys, the quality is really great. It's not like that. ये अच्छा खासा firstcry का मैंने देखा है. ये पहले भी I have done a haul on firstcry, and the quality of the product was really good. I didn't expect it to be like this. I really didn't expect कि ये इतनी अच्छी quality होगा. मुझे लगा था कि वो थोड़ा ऐसे हिल डोल वाले मग्स होंगे. बट वाई आई बॉट दिस वॉज बिकॉज माई बेबी इज नॉट हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग फ्रॉम बॉटल्स. सो उसको ना बहुत फोर्स भी करना पड़ता है बॉटल से पीने के लिए, और वो हम लोग करना नहीं चाहते. और नॉर्मली अगर हम अगर बॉटल्स उसको पिलाना है तो हमें वो अनस्क्रू करके उसका निप्पल और वो सब हटाना पड़ता है, और फिर वो नॉर्मल बॉटल से पीता है. सो बेसिकली ही ड्रिंक्स ओनली फ्रॉम अ कप. सो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था कि इन केस हम जब ट्रैवल कर रहे हैं हमें चाहिए होगा तो एटलीस्ट ढक्कन होना चाहिए. ओनली पॉइंट इज कि मुझे जो इसकी चीज़ नहीं अच्छी लगी वॉज कि इसका जो ढक्कन है ये बहुत ढीला है. आई वॉन्टेड समथिंग विच हैड अ टाइट लिड, बिकॉज ऑब्वियसली हम ट्रैवल कर रहे हैं तो झटके से पानी गिर जाएगा, इसीलिए मैंने ढक्कन वाला मंगवाया था. नहीं तो बस ऐसे ही कवर करना था तो हम कोई भी चीज़ को कवर कर सकते थे. अदरवाइज द डिज़ाइन इज गुड. उस हिसाब से ठीक है, 80-90 रुपीज में और क्या चाहिए. एंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है विद एक्सेप्शनल स्क्रैचेस ऑन इट, बट लाइक दिस इज गुड प्लास्टिक. ये मोटा, अच्छा खासा मोटा है ये. देखो इवन द हैंडल इज क्वाइट लाइक, देखो ये और कोई प्लास्टिक होता है वो ऐसे अंदर दब जाता है. एंड यार वैसे भी अगर कहीं लेने जाओगे तो 200-300 से कम का कोई कप नहीं मिलता बेबीज के लिए. सो ठीक है, इट्स गुड फॉर दैट अमाउंट. बट देन ओनली जो मेरा पर्पज़ था वो नहीं उससे सॉल्व होता, कि जो उसका लिड है दैट इज़ वेरी ढीला, तो पॉइंटलेस है. यू नो बेसिकली द पॉइंट ऑफ ऑर्डरिंग दिस वॉज दैट द वॉटर शुड नॉट फॉल. एंड आई थिंक अगर हमने इसको स्ट्रेट नहीं रखा वो लिड बहुत ईजीली निकला जा रहा है तो वो गिर जाएगा. सेकेंड थिंग दैट आई ऑर्डर्ड वॉज
गाइज आई विल इंक्लूड द प्राइजेस यहाँ सामने आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. एंड दिस इज बेबी हग का फीडिंग बोल. लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे ट्रैवल कर रही थी तो मैंने सब चीज़ ढक्कन वाला मंगा लिया था. लेट मी ओपन दिस. So these are all microwave safe stuff है वो भी और ये भी. But then babies के लिए microwave use नहीं करते हैं, it's not good. So I generally don't, packaging is really cute, I don't use it generally. ये सही मुझे 10 जगह से खोलना पड़ रहा है. Now this says that it is food grade plastic on the go feeding. बोल लेड प्लस स्पून एंड माइक्रोवेव सेफ इसके पीछे लिखा हुआ है. ऐसे तो कटा हुआ पहले से कटा हुआ मैंने तो कटा नहीं. क्या है ये? एक फर्स्ट स्टेप का और एक इन लोग की पैकेजिंग में फटी गया. वो मैं उसको अच्छे से रखना चाहती थी बट उसका कबाड़ा हो ही गया. एनीवेज चलो हो ही गया तो नीचे डाल देते हैं. सो ओके ये बंद है इसमें भी यार. चलो गुड, इतनी पैकेजिंग होनी चाहिए तब तो पता चलेगा कि नया है. मुझे खोलने का पूरे 2 मिनट लग गए फाइनली. ओके दिस इज रियली गुड, दैट इज ऑल्सो रियली गुड, बहुत अच्छा है. बट देन मग के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका लिड नहीं मुझे समझ में आया. ये देखो दिस इज द स्पून. एंड ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कम से कम स्पून को आपने रख लिया. एंड रियली गुड क्वालिटी है. देखो ये प्लास्टिक टेढ़ा है तो स्पून को आपने रख लिया और जैसे ताकि उसके ऊपर फ्लाइज या ऐसा कुछ ना बैठे. अगर आप ऑन द गो ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ मच्छर भी होंगे, मक्खी भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा, तो वो सब ना इसके ऊपर बैठे तो इसको ये ऐसे बंद हो जाएगा. नाउ लेट्स सी कि स्पून निकल के ओके. ये मैंने सोचा था कि ऐसे ओपन होगा, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ओपन होगा. सो द स्पून कैन कम अलोंग. ओके इसका लेड अच्छा है, जस्ट चेकिंग फॉर एनी क्रैक. सो ओके ये बहुत गहरा नहीं है. आई नीडेड लिटिल थोड़ा सा ये चीज़ ना बड़ा सो दैट आई कैन कीप थिंग्स इन दिस बिकॉज सी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ना यू कॉन्ट टेक वन फूड फॉर योर बेबी. आई हैव अदर टिफिन्स बट बेबी का टिफिन तो बेबी का टिफिन होता है ना. सो दिस इज़ बेसिकली लाइक यू डिटैच दिस. ये स्पून आप निकाल लो, गिर गया. एंड ये आप यू कैन होल्ड दिस एंड देन फीड. सो दिस इज़ बेसिकली टू होल्ड. सो ओवरऑल नाइस स्टफ, अभी और बाकी है. सो देन आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू इंट्रोड्यूस योर बेबी टू बुक्स. सो मैंने नो आई हैव नॉट, आई मीन दैट्स नॉट द टाइटल, इट्स ऑनेस्ट बुक रिव्यू टाइटल है जिसमें आई हैव टोल्ड यू दैट यू शुड इंट्रोड्यूस योर बेबी टू बुक्स जल्दी इवन इफ दे डोंट टॉक ज़्यादा. मतलब अभी उन्हें बातचीत करना सीखा नहीं है मगर वो आपकी बात को सुनते हैं एंड देन दे रिपीट इट एट अ लेटर स्टेज. तो दे कैच द टोन और द वाइब्रेशन ऑफ द वर्ड दैट यू आर टॉकिंग एंड देन दे रिलेट दैट टोन टू दैट थिंग. लाइक इफ यू से कहाँ है, कहाँ है, तो अब आप जब भी उनको कुछ पूछोगे अबाउट समथिंग दे विल मतलब अगर आप वो दे विल अंडरस्टैंड कि सर्टन पर्सन इज आस्किंग मी वेयर इज समथिंग, कहाँ है कोई चीज़, कहाँ है, उसको वो टोन से पूछ समझते हैं. उनको नहीं पता कहाँ है का मतलब होता है वेयर इज वॉट एवर. यू गॉट द पॉइंट राइट. सो नाउ द थिंग इज मैं अपने बेबी को बुक्स से इंट्रोड्यूस कर दिया था बट बिकॉज वो बोर्ड बुक्स थे और वो पेपर से बने बुक्स थे तो होता क्या था कि वो अपने मुंह में डालता था या मुझे डर लगता था पेपर खा लेगा या वो उसको बुक को ख़राब कर देता था. सो आई स्टार्टेड ऑर्डरिंग फॉर बाथ बुक्स अगेन. दीज आर बिग इन साइज. मैंने जो पहले मंगाया था उसका पिक्चर मैं अभी इंक्लूड कर देती हूँ इसके बाद.
सो ये जो बुक मैंने मंगाई थी जिसका पिक्चर अभी आपने देखा है वो बाथ बुक है, साइज में छोटी है, बट देन बेस्ट पार्ट इज उसको आप गीला करो, ये मैंने अभी खोल लिया था जब तक आप पिक्चर देख रहे थे, उसको आप गीला करो कि मुंह में डालो, कुछ भी करो आप इसका, वो देखो दिस कैन बी डन, आई मीन इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको पानी में डाल सकते हो, इसका मटीरियल वही होता है जो आप वाटर में यूज़ कर सकते हो एंड ऐसे बचता है. सो दिस इज सी पाउल्स एंड मतलब ये इस दिस बुक इज लाइक दिस, इस तरीके से है, दिस इज वॉट इट इज एंड आई रियली लाइक दीज थिंग्स क्योंकि ये मेरे बेटे को बहुत इंटरेस्ट करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं, ही रियली लव्स बुक्स एंड वो मतलब बहुत वो हो जाता है कि वो उनको पकड़ के ज़्यादा यू नहीं कर पाता ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप अच्छी बुक्स खरीदते हो, यू डोंट वॉन्ट देम टू गेट स्पॉइल्ड. सो ये वाली बुक्स मंगाओ एंड लेट देम फील इट, लेट देम पुट इट इन देम माउथ, लेट देम इन्जॉय इट. ये फ्रूट्स की है इस तरीके से. सो द मटीरियल इज़ वेरी गुड, द साइज इज़ बिग, लास्ट टाइम द साइज वॉज वेरी स्मॉल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टफ दैट आई ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट क्राई. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है तो आप कर सकते हो. दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने खुद अपने पैसे से खर्च के सब सामान मंगाया है. सो इट वॉज अ ये, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम ये. इसका मटीरियल, यू नो यू वोंट बिलीव इट, इसका मटीरियल ये है 80 रुपए की चीज़, 80 या 90 रुपए की है, जो भी रेट है मैं बता दूंगी. 145 इसकी MRP थी, बट जो मतलब इसकी क्वालिटी है वो इससे बेटर है. ये बेबी हक का है, ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड भी नहीं है, बट देन बस एक ही मुझे इसका वो डिसअपॉइंटमेंट है कि इसकी लिड ना ऐसे टाइट नहीं होती, थोड़ा टाइट हो जाती तो बस ये बेस्ट प्रोडक्ट होता. बुक्स तो आई लव, और वैसे भी बुक्स मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने बेबीज को इंट्रोड्यूस करो, डरो मत कि वो फाड़ देंगे या कुछ कर देंगे. अगर आपको लगता है, जैसे मैं अपने बुक्स के साथ बड़ी केयरफुल रहती हूँ, अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपको केयरफुल रहना है या आप अपने बुक्स ख़राब नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस तरीके की बुक्स मंगा लो. Anyways, that's it for today. That was the first cry haul. More hauls are coming up because मैंने बताया मेरी लाइफ में एक फेज आता है जब मैं कुछ कुछ मंगाती रहती हूँ. So these were the items that I ordered from first cry. सारी items मुझे 543 rupees की पड़ी. MRP और price मैं include कर दूंगी, मुझे याद नहीं है. That's it for today. And if you like the video, please like it. शेयर करो, अगर आप चाहते हो कि कोई और भी देखे, कि उनको अगर कुछ मंगाना है तो they can see an order. And subscribe to my channel guys, like ज़रूर करो वीडियो को, it really motivates me. Subscribe please, I need lots of friends, lots and lots and lots of friends and family. So subscribe to my channel and that's it for today, bye bye. Hi guys, welcome to Life is Precious, subscribe to my channel, press the bell icon and never 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 miss another update.